नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 12 मई। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बीते दिन छठे अपडेट तक 53 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में प्रभावितों का आंकड़ा 749 पहुंच गया है, जिसमें से संक्रमित पाए गए लोगों की बात करें तो समस्तीपुर में 1, नालंदा में 1, मुजफ्फरपुर में 3, सीतामढ़ी में 1, शेखपुरा में 6, नवादा में 6, मधुबनी में 2, सुपौल में 2, सहरसा में 1, पूर्णिया में 1, दरभंगा में 3, पटना में 11, गोपालगंज में 2, भागलपुर में 2, खगड़िया में 5, बेगूसराय में 4, बांका में 2 मरीज की पहचान की गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रभावित इलाके में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करवाने की अपील की है। साथ ही सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा गया है। दिल्ली से बिहार के लिए चलाई जाएंगी 5 ट्रेन। लॉकडाउन के बीच रेलवे की ओर से पहली बार पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत अब आम नागरिक भी स्पेशल ट्रेन के जरिए यात्रा कर सकेंगे, जिसके लिए टिकट बुकिंग की शुरुआत बीते शाम से हो चुकी है। वहीं आज से ट्रेनों के परिचालन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके मुताबिक दिल्ली से पटना, राजेंद्र नगर, दानापुर, पाटलिपुत्र, कटिहार, बरौनी स्टेशन के लिए कुल 5 ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको बता दें, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बीते दिन दिल्ली से 15 जोड़ी ट्रेनों के अप एंड डाउन परिचालन की अनुमति दी गई है। बिना ऑर्डर के दूसरे राज्य से आने वाले बसों की रहेगी मनाही। देश के दूसरे राज्यों से प्रवासी सरकार की अनुमति पर ही बसों से बिहार आ सकेंगे। बिना अनुमति वाले बसों को राज्य में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही बस को अधिकारी अपने अंडर में ले लेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेन के बजाय बसों से ही बिहार आ रहे हैं। बिना जानकारी के बसों से आने के कारण अनावश्यक भीड़ जमा हो रही है, इससे कोविड 19 के बढ़ने की आशंका और ज्यादा बढ़ जा रही है। वहीं बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी बस चालक को अगर अपनी बस बिहार के अंदर लानी हो तो उसे पहले जिलाधिकारी से संपर्क साधना होगा। बीते दिन से पटना एम्स में प्लाज्मा थेरेपी की हुई शुरुआत। आईसीएमआर द्वारा कुछ दिनों पहले प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। हालांकि कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए, साथ ही दिल्ली के एक अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के सफलतापूर्वक परीक्षण को देखते हुए आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर से प्लाज्मा थेरेपी का आदेश जारी किया था, जिसके बाद बीते दिन से पटना के एम्स में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद बिहार में प्लाज्मा थेरेपी करने वाला 5वां देश स्थापित हुआ है। इतना ही नहीं, पटना एम्स में ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी बात कही गई है। 13 साल बाद बिहार में निकली MVI की बहाली। बिहार में 13 साल के बाद एक बार फिर से एक साथ 90 MVI की बहाली निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को BPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार 26 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहीं आवेदन 9 जून तक भर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बीते दिन से लौटी रौनक। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बीते दिन से गाड़ियों के शोरूम को खोल दिया गया है। सरकार के इजाजत के बाद बीते दिन से कार, मोटरसाइकिल समेत सभी गाड़ियों के शोरूम को खोल दिया गया है। इसके लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राज्य में सभी तरह के वाहनों के शोरूम खोले जा सकते हैं। जिलाधिकारी इसका आदेश अपने स्तर से जारी करेंगे। हालांकि सभी जिले के DM अपने अपने जिले में गाड़ी के शोरूम को खोलने की अलग अलग तारीख जारी करेंगे। JLNMCH में अब नहीं होगा कोरोना की जांच। बिहार में तेजी से बढ़ते कोविड 19 पॉजिटिव मरीजों के बीच भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कल्चरल एंड DST लैब में शुरू हुए कोरोना जांच की सुविधा को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिसके बाद भागलपुर समेत बांका और कटिहार के कोविड 19 मरीजों का सैंपल अब RMRI पटना में जांच के लिए जाएगा, क्योंकि मायागंज अस्पताल को 2 मई को 369 कार्टेज कोरोना जांच के लिए मिले थे। इसके भरोसे भागलपुर, बांका और कटिहार के आश्रम के मरीजों की जांच की जाती थी, लेकिन इसकी संख्या में कमी को देखते हुए भागलपुर में कोविड 19 का टेस्ट बंद करवाने का आदेश जारी किया गया है। राशन कार्ड धारक रखे कुछ खास बातों का ध्यान। सभी राशन कार्ड धारक के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार के बार बार सूचना के बाद भी राशन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ने वाले लाभार्थियों को अब फटकार लगाई गई है, क्योंकि जांच में यह पता चला है कि अब तक 14 लाख से ज्यादा ऐसे राशन कार्ड धारक है जिनका आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि उनका खाता विभाग के पास नहीं था। हालांकि कुछ लोगों ने बाद में जाकर अपनी डिटेल्स भेजी थी, जिनके आधार पर सिन्निंग की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं बचे लोगों को विभाग बार बार सूचना दे रहा है कि वह अपना आधार और बैंक खाता नंबर दोनों दे दें। थाईलैंड के 129 नागरिक लौटेंगे जल्द अपने घर। कोविड 19 के इस माहौल में बिहार सहित पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है। वहीं इसी बीच केंद्र सरकार ने विदेशों से सभी भारतीय नागरिकों की आवाजाही की अनुमति दे दी है। इसके बाद अब थाईलैंड के 129 नागरिक 13 मई यानी कि कल गया एयरपोर्ट से विशेष विमान से अपने देश वापस लौटने वाले हैं। थाईलैंड सरकार के आग्रह के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस बुलाने को मंजूरी दी है, और इन नागरिकों को वापस ले जाने के लिए थाईलैंड से विशेष विमान गया एयरपोर्ट आएगी। इससे पहले भी यहां से थाईलैंड के लिए 342 नागरिक 2 विशेष विमान से स्वदेश लौट गए हैं।
पटना में बीएमपी के 8 जवान हुए कोरोना पॉजिटिव। पटना में बीएमपी जवान लगातार कोरोना से प्रभावित पाए जा रहे। खबरों की माने तो बीते दिन तीसरे अपडेट में 8 जवान कोविड 19 से संक्रमित पाए गए थे। यह सभी जवान पटना के खाजपुरा स्थित बीएमपी 14 में रहते थे। वहीं पटना के सिर्फ बात करें तो यहां बीते दिन 5वें अपडेट तक पटना में 11 नए मामले सामने आए हैं। अगर हम पटना में टोटल आंकड़ों की बात करें तो यह 70 को पार कर चुका है। जिसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करवाने की अपील की है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा है। बाहर के राज्यों में फंसे बिहारियों को 7 दिनों के अंदर बुलाने का किया जाए इंतजाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोविड 19 को लेकर जारी माहौल पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग का आयोजन करवाया था, जहां पर उन्होंने बाहर के राज्यों में फंसे बिहारियों को वापस लाने के लिए 7 दिनों में इंतजाम करने के निर्देश दे दिए थे। उन्होंने कहा है कि जो बिहारी अभी भी बाहर फंसे हैं उन्हें 7 दिनों के अंदर बुलाने का इंतजाम किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए यह साफ कहा है कि पटना सहित राज्य के अन्य शहरों में फंसे ऐसे लोगों को वापस भेजने की समुचित व्यवस्था हो जो बंद के कारण अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। बिहार के किसानों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलने का दिया गया आश्वासन। बिहार में बिहार के किसानों को सरकार अब ऑनलाइन ट्रेनिंग दिलवाएगी, जिसका ऐलान कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया है। जिसके तहत ट्रेनरों को संसाधन दिया जा रहा है। प्रखंड स्तरीय तकनीक प्रबंधकों को टैब और प्रोजेक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि ऑनलाइन माध्यम से किसानों एवं बेरोजगारों को कृषि से संबंधित ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सकती है। आपको बता दें, बिहार के सभी 534 प्रखंडों के लिए एक एक प्रोजेक्टर तथा प्रत्येक प्रखंड के लिए 3 टैब यानी कि कुल 534 पीको प्रोजेक्टर और 1640 टैब का इंतजाम किया गया है। निर्माण सामग्रियों की कोई कमी नहीं होने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत उन्होंने हाई लेवल मीटिंग के दौरान कहा है कि निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए इसमें तेजी लाने की जरूरत है। सभी अधिकारी इस बात के लिए सुनिश्चित रहे कि किसी भी निर्माण कार्य के लिए बालू, गिट्टी, सीमेंट और इनकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज की कमी हुई तो निर्माण कार्य बाधित होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्रियों ने अधिकारी और संबंधित विभागों को इस बात का पूरा ध्यान रखने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और बाकी अन्य कामों को बढ़ाने का निर्देश भी सभी जिलाधिकारियों को सौंप दिया है। मौसम विभाग ने 14 मई तक सूबे में आंधी और बारिश की जताई संभावना। रविवार रात को हुए बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान को जारी करते हुए बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में 14 मई तक आंधी और पानी होने की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने कई जिलों में बर्फबारी की भी संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि एक नया पश्चिमी विभोग 14 मई से प्रभावी होगा और यह वेस्टर्न हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसका बिहार के मौसम पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर आगे मौसम विभाग जानकारी देगा। चीनी मिल प्रबंधक ने 600 लोगों को नौकरी से निकाला। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण सारे काम ठप पड़े हैं। वहीं जिस बात का अंदाजा था वही बात सही साबित हुई है। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की नौकरियां अब जाने लगी है। बीते दिन चीनी मिल प्रबंधन से 600 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है, क्योंकि बंद की वजह से निजी फैक्ट्रियों की हालत खराब होती जा रही है। आपको बता दें, सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल ने अपने 600 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मिल प्रशासन ने इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि अगले 2 महीने के लिए अपने सभी कर्मियों को काम से निकाला जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि काम नहीं तो ऐसा नहीं के आधार पर यह नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घर घर से मुफ्त साबुन और मास्क बांटेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन आयोजित किए गए हाई लेवल मीटिंग अपने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए यह साफ कहा है कि सभी अधिकारी सभी ग्राम पंचायतों में कोरोना से सुरक्षा के लिए सभी परिवारों को सरकार की तरफ से साबुन और 4 मास्क बांटे जाए। साथ ही माइकिंग के माध्यम से लोगों को कोरोना के संबंध में जागरूक भी किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर से आ रहे सभी प्रवासियों की जाँच करवाने पर भी जोर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सभी की जाँच हो इसके बाद की सुनिश्चितता प्रशासन को करनी होगी, वरना बिहार में कोविड 19 को रोकना संभव हो जाएगा। लॉकडाउन को हटाने के पक्ष में नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में लगातार कोविड 19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जल्द ही लॉकडाउन के तीसरे फेज की अवधि समाप्त होने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बंद को हटाने के पक्ष में नहीं है। खबरों की माने तो बिहार में बंद की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हाल ही में बिहार में बाहर आ रहे प्रवासी मजदूरों के आने के बाद कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि कहीं कोविड 19 का संक्रमण राज्य में ज्यादा विस्तार न ले और स्थिति हाथ से बाहर न निकल जाए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर हाल में बंद की अवधि को आगे बढ़ाने के सपोर्ट में है। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर की मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया नया सिस्टम। बिहार में प्रखंड में पंचायत स्तर पर चल रहे क्वारंटाइन सेंटरों की मॉनिटरिंग के लिए अब नया सिस्टम बनाया गया है, जिसके तहत बिहार के सभी क्वारंटाइन सेंटर पर समय पर भोजन मिल रहा है या नहीं, भोजन की गुणवत्ता किस तरह की है, एक कमरे में जितने लोग रह रहे हैं सेफ डिस्टेंसिंग के मानकों के तहत है या नहीं, जितनी संख्या में लोग हैं उस हिसाब से शौचालय का निर्माण हुआ है या नहीं, क्वारंटाइन सेंटर पर बिजली की व्यवस्था की क्या स्थिति है और क्वारंटाइन से कोई बाहर नहीं निकला है या निकल गया है, जैसी बातों का खास ध्यान रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें
क्वारंटाइन सेंटर में करवाई जा रही मॉनिटरिंग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी नजर रखने वाले हैं। आज 19 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी बिहार। कोविड 19 के जारी जद्दोजहद में आज 19 श्रमिक ट्रेन बिहार पहुंचने वाली है, जिसमें हजारों बिहारी मजदूर और छात्र बिहार आएंगे, जिसके तहत आज आने वाली ट्रेनों में मेलूर से दानापुर, रेवाड़ी से अररिया, अंबाला और तिरुपुर से मुजफ्फरपुर, पटियाला से सुपौल, कोटा से समस्तीपुर, जालंधर सिटी से छपरा, लुधियाना से सीतामढ़ी, मंगलूर से खगड़िया, विभानगर से गया, चंडीगढ़ से किशनगंज, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से सहरसा, नागपुर से दरभंगा, आगरा कैंट से बरौनी समेत कई ट्रेन आज बिहार पहुंचने वाली है। कांग्रेस नेता ने की बिहार सरकार से लीची किसानों की समस्या को सुनने की मांग। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है। किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर के लीची किसान भी काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने कहा है कि लीची की फसल तैयार होने में कम ही समय रह गया है और वहीं आरा मशीन के बंद होने से इसके बक्से बनने का काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे किसानों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मेरी सरकार से अनुरोध है कि सरकार किसानों की पैकेजिंग के मुद्दे पर ध्यान दे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विपक्षी दल आए आमने सामने। बीते दिन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार से चिट्ठी लिखकर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान राशि की मांग की थी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत मिलने वाली राशि बिहार को पहली तिमाही में दे दी जाए, जिसके बाद विपक्षी दलों की बयानबाजी शुरू हो गई। इसी क्रम में सबसे पहले कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि हाल ही में बजट पेश हुआ था, ऐसे में पहली तिमाही में ही पैसे मांगने की क्या मजबूरी आ गई, इतनी जल्दी खजाना खाली कैसे हो गया। वहीं राजद नेता भाई वीरेंद्र ने भी तंज कसा है और कहा कि क्या सारा पैसा सिंगापुर में जमा करा दिया गया है, अगर पैसा है तो इतनी जल्दी पैसा मांगने की क्या जरूरत आन पड़ी। वहीं जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने विपक्ष के खजाना खाली हो जाने वाले बयान को बेवकूफाना करार दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है, जिसके तहत उन्होंने अभी सभी नेताओं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करके कहा है कि लॉकडाउन की परिस्थिति में बाहर से आने वाले मजदूरों की परेशानी और विभिन्न स्थानीय मुद्दों को लेकर जागरूक रहें। इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी भूख से ना रहे, जरूरत पड़ने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना बयान जारी करते हुए यह कहा है कि विधानसभा चुनाव समय पर ही आयोजित करवाया जाएगा, इसमें कोई देरी नहीं होगी। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर यह कहा है कि बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को तत्काल मदद पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो बिहार के बाहर फंसे हुए हैं, क्योंकि कोविड 19 के इस माहौल में यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह बाहर फंसे लोगों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करके बिहारियों के रहने व खाने पीने की सुविधा को भी सुनिश्चित करवाया जाए। महेंद्र सिंह धोनी की मां ने कहा, मेरा बेटा अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट को लेकर कई तरह के अटकल लगाए जाते हैं। वहीं इन सब के बीच महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रही है और इसी तस्वीर को लेकर उनकी मां ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने उसके नए लुक को देखा है लेकिन वह बूढ़ा नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के T20 वर्ल्ड कप में खेलने की संभावनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने बोला कि उनकी T20 विश्व कप खेलने पर यकीन नहीं है, पहले कोविड 19 खत्म होने दीजिए। धोनी सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्हें कब कौन सा प्लान करना है और कौन सा फैसला लेना है। आलोचनाओं के बावजूद आरोग्य सेतु ऐप 100 मिलियन यूजर्स डाउनलोड के करीब। आरोग्य सेतु ऐप को जहां एक तरफ केंद्र सरकार आम नागरिकों के लिए काफी सहयोगी मान रही है, वहीं विपक्षी सरकार द्वारा बार बार इस सेवा के प्राइवेसी को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। इन सबके बीच आरोग्य सेतु ऐप को लेकर अब एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके तहत 100 मिलियन यूजर्स के रिकॉर्ड के करीब पहुंचने वाला है, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप को वैश्विक स्तर पर कम से कम सबसे ज्यादा 50 मिलियन तक पहुंचने वाला ऐप बन गया है और जल्द ही यह 100 मिलियन के क्लब में सबसे तेजी से पहुंचने वाला ऐप बनने वाला है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोतीलाल झा, राजेश राम, अनिल कुमार, शंभु कुमार, नंदन सिंह, विशाल कुमार, मनोज कुमार, तमन्ना शेखर, राजेश कुमार, विकास कुमार, जितेंद्र चौहान, मनोज कुमार, अमित कुमार, अखिलेश कुमार, सोनू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, केंद्र सरकार के आदेशानुसार कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव में मददगार साबित हो रहे आरोग्य सेतु ऐप को अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड किया है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।